लव जिहाद के बाद अब डिजिटल जिहाद। सनातन के खिलाफ किसने रची इंटरनेशनल साजिश? क्या बच्चों को रेगुलर मंदिर भेजना भी जरूरी हो गया है? दोस्तों, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और सनातन से निकले अन्य सभी पंथ, संप्रदाय और मतों को मानने वाले लोग तुरंत सावधान, चौकन्ने और अलर्ट हो जाएं। केवल सावधान ही नहीं, बहुत बहुत सावधान और हाई अलर्ट पर आ जाएं। इसकी वजह जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। इसकी वजह है डिजिटल जिहाद या गेमिंग जिहाद, जो बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है और मोबाइल की वजह से जिसकी पहुंच आज घर के बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक, खेल से पढ़ाई तक, बाजार से मॉल तक, स्कूल से लेकर ऑफिस तक, भीड़ से लेकर तन्हाई तक, हर जगह है। आज द कर्मा आपको जिहाद के सबसे खतरनाक रूप डिजिटल जिहाद के बारे में डिटेल में जानकारी देने जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये खुलासा डिजिटल जिहाद या गेमिंग जिहाद का है। इसमें मोबाइल पर वीडियो गेम ऐप के जरिए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जैसे सनातन के धर्मावलंबियों को टारगेट कर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये खुलासा तब हुआ जब 18 साल से कम उम्र का एक जैन धर्म का लड़का घर से रोज 5 बार जिम जाने लगा। ये लड़का अपने मम्मी पापा से कहता कि मैं जिम जा रहा हूँ। 10-15 दिन के बाद लड़के के माता पिता को रोज 5 बार जिम जाने का सिलसिला खटकने लगा। फिर एक दिन लड़के के पिता ने उसका पीछा किया। लड़का जिम की बजाय मस्जिद में जा घुसा और नमाज पढ़ने के बाद वापस घर पहुंच गया। लड़के के माता पिता ने जब उसे ऐसा करने से मना किया तो वो लड़ने लगा। मामला बेहद गंभीर होता हुआ देखकर माता पिता पुलिस के पास पहुंचे और FIR दर्ज कराई। उसके बाद जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो सबके कान खड़े हो गए। पता चला कि मोबाइल वीडियो गेम फोर्टनाइट के जरिए इस लड़के का ब्रेन वॉश कर इसे मुस्लिम बना दिया गया है। यही नहीं, इस जैन लड़के के अलावा 3 हिंदू नाबालिग बच्चों को भी मुस्लिम बना दिया गया। इन 3 हिंदू बच्चों में एक गाजियाबाद का ही है, जबकि एक चंडीगढ़ और एक फरीदाबाद का है। खबर यह भी मिल रही है कि सिर्फ ये 4 ही नहीं बल्कि 400 बच्चों का ब्रेन वॉश हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि ये लोग कैसे गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे। फोर्टनाइट गेम में 2 टीमें होती हैं। दोनों टीमों में 50-50 लोग शामिल हो सकते हैं। गेम शुरू होने के बाद ये लोग आपस में जुड़ भी जाते हैं और चैटिंग कर सकते हैं। इस दौरान इस रैकेट से जुड़े कुछ मुस्लिम लोग हिंदू नाम से ID बनाकर गेम में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग खासकर सनातन धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। ये उनसे कहते हैं कि अगर तुम ये आयत पढ़कर गेम खेलते हो तो तुम जीत जाओगे। उसके बाद जब कोई हिंदू, जैन या सिख या बौद्ध बच्चा आयत पढ़कर खेलता है तो इस रैकेट में शामिल लोग जानबूझकर गेम हार जाते हैं। फिर इनसे कहा जाता है कि देखो इस्लाम में कितनी ताकत है। इसके बाद ये लोग धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने वाले YouTube या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स शेयर करते हैं। इन्हें जाकिर नाइक जैसे लोगों के YouTube लिंक शेयर किए जाते थे। इन वीडियोस के जरिए बच्चों का इतना ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो मस्जिद में जाकर मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद डिजिटल जिहाद का पूरा इंटरनेशनल रैकेट उस बच्चे के नजदीक वाली किसी मस्जिद से संपर्क कर उसे वहां भेजता है और फिर वो लड़का मुस्लिम बन जाता है। गाजियाबाद के जैन लड़के के मामले में डिजिटल जिहाद के इस इंटरनेशनल रैकेट ने सबसे पहले महाराष्ट्र के ठाणे में शाहनवाज मकसूद नाम के शख्स से संपर्क किया। फिर शाहनवाज ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान से संपर्क किया और फिर इस लड़के को मौलवी अब्दुल रहमान के पास भेजा गया, जिसने मस्जिद में लड़के का फिर से ब्रेन वॉश किया और उसे मुसलमान बना दिया। गाजियाबाद पुलिस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस को धर्मांतरण या कन्वर्जन के इस पूरे डिजिटल खेल के पीछे किसी बड़ी इंटरनेशनल साजिश की आशंका है, जिसका रिमोट कंट्रोल विदेश में बैठे किसी शातिर के पास है। मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन का यह जिहाद कई तरह से कराया जा रहा है। इसमें सबसे पहले लव जिहाद आता है, जिसमें सनातन की लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। डिजिटल या गेमिंग जिहाद के जरिए सनातन के नाबालिग बच्चों को टारगेट बनाया जाता है,
जबकि पैसे जमीन पद का लालच देकर व्यस्क लोगों को भी निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम और खाड़ी देशों में बंदूक के दम पर डरा धमका कर गैर मुस्लिमों को आतंकी जिहाद के जरिए टारगेट किया जाता है। आतंकी जिहाद की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जहां हिंदुओं और सिखों को जबरन मुस्लिम बना दिया गया। अब यहां इनकी तादाद गिनी चुनी ही रह गई है। इन देशों में ये गिने चुने हिंदू और सिख कितने दिनों तक बचेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, डिजिटल जिहाद या गेमिंग जिहाद की इस खबर के बाद हर सनातनी को जाग जाना चाहिए। बच्चों को अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। उनके अंदर ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि वो रेगुलर मंदिर में दर्शन के लिए जाते रहें। उन्हें सनातन से जुड़े धर्म ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। उनकी कथाओं को सुनाना चाहिए। सनातन के पर्व और त्योहारों को बढ़ चढ़कर साथ मनाना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन में सनातन की शिक्षा को जोड़ना चाहिए। साथ ही बच्चों को इस बात के लिए भी चौंकना और अलर्ट करना चाहिए कि कहीं कोई उन्हें धर्म के नाम पर बरगलाकर उनका धर्मांतरण करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, डिजिटल जिहाद या गेमिंग जिहाद पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल द कर्मा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।